ये देखिए आज मैं बनाई हूँ स्वादिष्ट बहनी। ये चने की बनती है और ये मैंने लिया है चटनी और लिया है सेवई की खीर। तो इसे बनाने के लिए कैसे हम बनाएंगे, चलिए अब शुरू करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ आप लोगों के लिए चने की बहनी। इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान की ज़रूरत पड़ती है मैं पहले आपको ये बता देती हूँ। ये मैंने लिया है टमाटर और ये लिया है प्याज, एक टुकड़ा अदरक का, हरी मिर्च और ये लिया है लहसुन। टमाटर से हम बनाएंगे थोड़ा सा चटनी और ये लिया है धनिया और ये लिया है बहनी बनाने के लिए घी और ये चने की दाल है जो मैंने शाम को ही इसको भिगो कर रख दिया था। चलिए अब इसे रेडी करते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें डाल दिया तेल, सरसों का, आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। ये डाल देती हूँ मैं जीरा 1 टीस्पून, हाफ स्पून डाल दे रही हूँ हींग, ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा डाल दे रही हूँ अदरक, इसे भी इसे भून लेंगे। अदरक डालने से इसका स्वाद काफ़ी अच्छा आता है। फ्रेंड्स, तड़का जल गया है, अब इसमें मैं डाल देती हूँ मसाले। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ स्पून गरम मसाला, हाफ स्पून धनिया पाउडर, 2 पिंच कस्तूरी लाल मिर्च, इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। देखो मसाला भी भून गया है, अब इसमें मैं दाल और इसे पहले हम भून लेंगे अच्छे से। मैं मिक्स कर लेती हूँ, साथ में ही भूनते समय डाल देना है स्वाद अनुसार नमक, नमक से दाल जल्दी पक जाती है। और मिक्स कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमें दाल को अच्छे से कवर करके ढक देना है, कवर कर देना है और धीरे धीरे ये दाल कुक हो जाएगी, फिर इसे हमें पीसेंगे। तब तक हम चटनी तैयार कर लेते हैं। अब इसमें काट देंगे टमाटर जार में ही छोटे छोटे टुकड़ों में और जल्दी से हम तब तक चटनी रेडी कर लेते हैं। ये ले लिया हरी मिर्च, थोड़ा सा अदरक, ये डाल दिया लहसुन, स्वाद अनुसार नमक, ये डाल देती हूँ हरी धनिया। अब फ्रेंड्स चटनी रेडी कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, चटनी हमारी बनकर रेडी हो गई है। हमें ऐसे ही चटनी बनानी है और अब इसे किसी बर्तन में निकाल लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी और स्वादिष्ट चटनी देखने में ही लग रही है, खाने में कितनी अच्छी लगेगी। चलिए फिर अब रेडी करते हैं। इधर हमारी दाल हो गई है, ये देखिए फ्रेंड्स, दाल भी हमारी रेडी हो गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं और एक बार इसे चला देंगे। गैस ऑफ कर दिया, अब इसे भी निकाल लेंगे हम और इसे बढ़िया से हमें पीस लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, दाल को हमने जार में डाल लिया है, अब इसे हम पीस लेंगे। फ्रेंड्स, हमारी दाल बनकर रेडी हो गई है। अब इसमें डाल देती हूँ मैं ये प्याज। प्याज को मैंने खूब बारीक काट लिया है, आप जितना बारीक काटना चाहे उतना बारीक काट सकते हैं। और अब डाल देती हूँ थोड़ी सी हरी धनिया की पत्ती, इसे मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, आटा भी हमारा अच्छे से रेडी है और ये काफ़ी सॉफ्ट मैंने गूंथा है। थोड़ा सा हमें आटा रोटी के अकॉर्डिंग थोड़ा ढीला गूंथना है। तो चलिए अब रेडी करते हैं पूड़ी बनाना। ये मैंने लोई ले ली, अब मैं थोड़ा सा लूँगी दाल लोई के अकॉर्डिंग। अब चारों तरफ से इसे हमें मोड़ लेना है। ये देखिए बस, अब इसे हम बेल लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इतनी पतली बहनी बनाई है और पतली पतली रहती हैं छोटी, तो काफ़ी अच्छा लगता है खाने में, देखने में भी। अब इसे मैंने पलट दिया और मैं लगा देती हूँ इसमें घी।
दूसरी तरफ भी पलट देंगे और दूसरी तरफ भी घी लगा देती हूँ। इसे हल्का ब्राउन होने तक सेकना है। दोनों तरफ से लाल चिट्टी आने तक। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी बहनी बनकर रेडी है। ऐसे दूसरी बहनी हमको बना लेना है। मैंने दूसरी तरफ पलट दिया और घी लगा लेंगे। और ऐसी सारी बहनी बना डालेंगे फ्रेंड्स। अब इधर भी पलट कर हम हमें घी लगा देना है और दोनों तरफ अच्छे से सेक लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सेवई की खीर और चटनी और बहनी रेडी है। तो चलिए सर्व करते हैं फ्रेंड्स। इसे हम ट्रैवल में भी, अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो इसे ले जा सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी और स्वादिष्ट होती है। आप इसे नाश्ते के रूप में खाएं तो काफ़ी अच्छा है। तो ये देखिए कितनी अच्छी और स्वादिष्ट बनी है। प्लीज़ एक बार ट्राई करिए आप भी और खाइए और इन्जॉय करिए। और प्लीज़ फ्रेंड्स, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी तो कमेंट करना ना भूलिएगा। और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।